पूज्य महात्मा गांधी जी ने जो अलग स्वच्छता की, सत्य और अहिंसा की इस देश के अंदर जगाने का काम किया था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आगे बढ़ाने का काम किया है। गांधी जयंती के मौके पर पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। महात्मा गांधी के अहिंसा और समर्पण भाव को लोग अपने अपने अंदाज में कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए कई भजन प्रस्तुत किए। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत सभी ने भजन की धुन में लीन होते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बापू को याद किया। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज पूज्य बापू की जयंती है, हम पूरे प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय बापूजी को श्रद्धा अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, ACS होम संजय प्रसाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटे और बीजेपी विधायक पंकज सिंह, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, विधायक नीरज बोरा, मेयर सुषमा खरखवाल और पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया समेत बीजेपी के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज राष्ट्रपिता पूज्य बापू की जयंती है, हम पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी ने जो अलग स्वच्छता की, सत्य और अहिंसा की इस देश के अंदर जगाने का काम किया था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब लोगों ने जिस ढंग से कल 1 अक्टूबर से ही स्वच्छता मिशन को प्रारंभ किया है, ये बापू की सोच को और मजबूती देने वाला कार्य था। मैं ऐसे अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बापू को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर, स्वच्छता के रास्ते पर चलकर हम प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए आज ही संकल्प लें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कल अभूतपूर्व संदेश पूरे देश में देने का काम किया है। देश का एक एक व्यक्ति कल स्वच्छता मिशन में जुट करके माननीय बापू जी के सपनों को साकार करने के लिए माननीय मोदी जी के आह्वान पर जुटा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जयंती का दिन है। पूरा देश महात्मा गांधी को याद कर रहा है, उनके कामों को, उनकी प्रेरणा को, उनके समर्पण जो देश के प्रति था उनको याद कर रहा है। महात्मा गांधी हमेशा से अहिंसा के पुजारी रहे हैं, उनको हर मोड़ पे, हर जगह पे, हर जगह उनको याद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ताधीश पार्टियाँ हों, सबके दिल में गांधी जी हैं और गांधी जी को आज सब लोग याद कर रहे हैं। और लखनऊ के हजरगंज में GPO के पास हम खड़े हैं और GPO में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, जहाँ पे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के साथ तमाम सारे वो मंत्री और विधायक पंकज सिंह भी यहाँ पे मौजूद थे, साथ ही साथ बड़े अधिकारी संजय प्रसाद के साथ साथ DM सुरपाल गंगवार भी यहाँ कार्यक्रम में शिरकत किए थे, जहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा सुमन किया और वहाँ पर फूल चढ़ाकर उनको नमन किया है। तो महात्मा गांधी की जो जयंती है, जगह जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ के राजधानी लखनऊ में GPO के पास जो प्रोग्राम हो रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सारे नेताओं का जमघट लगा था और तमाम सारे यहाँ पे पब्लिक भी आपको दिखाई देगी, जगह जगह से यहाँ पे लोग भी आए हुए थे। महात्मा गांधी को याद करने का दिन आज था और तमाम सारे लोगों ने महात्मा गांधी जी को याद किया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।